Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic consequences of winding up order by tribunal. यानी कि जब ट्रिब्यूनल की तरफ से वाइंडिंग अप के ऑर्डर दिए जाते हैं किसी भी कंपनी के रेफरेंस में, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेज को हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. द वेरी फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार. यानी कि जब ट्रिब्यूनल किसी भी कंपनी के वाइंड अप के ऑर्डर को फॉलो करती है, तो उस केस में इसे इन पर्टिकुलर पर्संस को इंटीमेट करना जरूरी है. दीज पर्संस आर द कंपनी लिक्विडेटर एंड सेकेंड वन इज द रजिस्ट्रार. यानी कि इन दोनों पर्संस को ट्रिब्यूनल के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा अबाउट द वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑफ द कंपनी. ट्रिब्यूनल को इस पर्टिकुलर इंटीमेशन को ऑर्डर पास होने के 7 दिन के अंदर अंदर इसके इंटीमेशन को कंपनी लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार को भेज देना होता है. ठीक है. द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस इज दैट रजिस्ट्रार टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज. यानी कि जब रजिस्ट्रार को वाइंडिंग अप के ऑर्डर की कॉपी मिल जाती है, तो उस कॉपी के मिलने के तुरंत बाद रजिस्ट्रार को इन पर्टिकुलर ड्यूटीज को परफॉर्म करना होता है. तो क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं? The very first duty is make an endorsement to that effect in his records relating to the company. यानी कि जो कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर के रिलेशन में ऑर्डर उसको रिसीव हुआ है, उसको अपने रिकॉर्ड्स में एंडोर्स किया जाएगा बाय द रजिस्ट्रार. दूसरी ड्यूटी क्या है इसकी? नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट. यानी कि जो ऑफिशियल गैजेट है उसमें इस पर्टिकुलर इफेक्ट को नोटिफाई किया जाएगा. और तीसरा है कंपनी के वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग जो कॉपी रिसीव हुई है उसके बारे में इंटीमेशन दी जाएगी उन पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस को या स्टॉक एक्सचेंज को जहां पर कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं. अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है और उसकी सिक्योरिटीज किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, तो उन स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट किया जाएगा बाय द रजिस्ट्रार इन रिगार्ड ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो ये 3 ड्यूटीज हैं जो रजिस्ट्रार को परफॉर्म करनी होती हैं जब उसे वाइंडिंग अप के ऑर्डर की कॉपी रिसीव हो जाती है. ठीक है. द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज स्टे ऑफ सूट्स ETC ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर्स. यानी कि जब एक बार वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो जाता है और कोई भी सूट या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाना चाहे अगर कंपनी, तो वो किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगी. इट शैल बी कमेंस्ड. कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या कोई भी सूट कमेंस्ड नहीं होगा एक बार वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने के बाद. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द डायरेक्टर्स टू सबमिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द लिक्विडेटर्स. यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं और कंपनी के अदर ऑफिसर्स हैं, वो ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि वाइंडिंग अप के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी की अकाउंट्स बुक को कंप्लीट वे में और ऑडिटेड वे में सबमिट करेंगे. जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर आया है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपरली कंप्लीट करके और ऑडिट करके इसे कंपनी लिक्विडेटर को सबमिट करनी होती हैं. अब ये डायरेक्टर्स या अदर ऑफिसर्स के पास नहीं जाएंगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये आ जाएंगी कंपनी लिक्विडेटर की कस्टडी में, और वो भी कंप्लीट फॉर्म में और ऑडिटेड फॉर्म में, वो भी ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर उनको ये पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी लिक्विडेटर को सबमिट कर देनी होती हैं. नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टीज टू कंपनी लिक्विडेटर. ऑन द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल द कंपनी लिक्विडेटर शैल टेक इनटू हिज कस्टडी और कंट्रोल ऑल द प्रॉपर्टी इफेक्ट्स एंड एक्सनेबल क्लेम्स टू विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड. यानी कि जब एक बार ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिल जाता है, तो ऑर्डर मिलते ही जो कंपनी का लिक्विडेटर है वो कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को, कंपनी के कंप्लीट इफेक्ट को और जो भी
एक्स नेवल क्लेम्स हैं जिसके लिए कंपनी एंटाइटल्ड है, उन सभी को अपनी कस्टडी में और अपने कंट्रोल में ले लेगा। यानी कि अब ये जो कंट्रोल रहेगा वो डायरेक्टर्स का नहीं रहेगा, अब ये कंट्रोल रहेगा उस पर्टिकुलर कंपनी लिक्विडेटर का, जिसको ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किया गया है वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करने के बाद। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस होगा। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज डीम्ड नोटिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयज ETC। यानी कि जब एक बार कोर्ट की तरफ से वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर्स एम्प्लॉयज एंड वर्कमैन ऑफ द कंपनी। तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा, ये एक नोटिस की तरह काम करेगा कंपनी के ऑफिसर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए और अदर वर्कमैन के लिए, कि भाई उनको अब कंपनी की ड्यूटीज से फ्री कर दिया गया है, उनको उनके वर्क से या उनकी पोस्ट से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी कि अब वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है, उन्हें उनकी ड्यूटीज से बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है जैसे ही वाइंडिंग अप के ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो ये एक तरीके से ऑफिसर्स एम्प्लॉयज और अदर वर्कमैन के लिए नोटिस ऑफ डिस्चार्ज की तरह काम करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज बोर्ड्स पावर टू कम टू एन एंड। इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस ऑफ और रहता है इसके अंदर, दैट वेन एवर द वाइंडिंग अप ऑर्डर इज पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल देन द पावर्स ऑफ द बोर्ड शैल कम टू एन एंड। तो ऑटोमेटिकली जो बोर्ड की पावर्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो फिनिश हो जाती हैं। यानी कि बोर्ड के पास किसी भी तरीके की पावर कंपनी के रिलेशन में नहीं रह जाती हैं। द कंपनी लिक्विडेटर शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द बोर्ड फॉर बेनिफिशियल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कि ऑटोमेटिकली ये जो पावर्स हैं ये कंपनी लिक्विडेटर के पास शिफ्ट हो जाती हैं, और ये शिफ्ट इस वजह से की जाती हैं जिससे कि कंपनी के वाइंडिंग अप को बेनिफिशियल वे में कंप्लीट किया जा सके। तो इसी वजह से ये जितनी भी कंपनी की पावर्स रहती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंपनी लिक्विडेटर को शिफ्ट कर दी जाती हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स को खत्म कर दिया जाता है। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर ऑफ द कंपनी। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज मंथली रिपोर्ट बाय लिक्विडेटर। वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिलने के बाद जब सारे पर्टिकुलर कंट्रोल कंपनी के रिलेशन में लिक्विडेटर के पास आ जाते हैं, तो जो कंपनी लिक्विडेटर है इट इज ही सेल प्लेस बिफोर द ट्रिब्यूनल अ रिपोर्ट अलॉन्ग विद मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द वाइंडिंग अप कमिटी ऑन मंथली बेसिस टिल द रिजोल्यूशन ऑफ कंपनी। यानी कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिलने के बाद जब सारी कंट्रोलिंग लिक्विडेटर के पास आ जाती है, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास आ जाती है, तो हर महीने मंथ बेसिस पर क्या होगा, एक मीटिंग को फॉलो किया जाएगा और उस मीटिंग में मिनट्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा। और मीटिंग कौन फॉलो करेगा, जो वाइंडिंग अप कमिटी है वो कंपनी लिक्विडेटर के साथ मिलके मीटिंग को फॉलो करेगी, उसके मिनट्स को रिकॉर्ड करेगी और उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड की जाएगी। और ये प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक कि कंपनी का रिजोल्यूशन नहीं हो जाता। तो कंपनी के रिजोल्यूशन तक मंथली बेसिस पर मीटिंग को फॉलो किया जाएगा, उसके मिनट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन ट्रिब्यूनल के पास भेजी जाएगी, तब तक जब तक कि कंपनी का रिजोल्यूशन नहीं हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नाइन्थ वन, ऑर्डर टू ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया गया है, दिस मस्ट और दिस शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स एंड ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द कंपनी। यानी कि क्योंकि वाइंडिंग अप के लिए जो रिक्वेस्ट फॉलो की गई है वो किसी ना किसी कॉन्ट्रीब्यूटरी, किसी ना किसी क्रेडिटर के बेसिस पर की गई होगी, तो यहाँ जो ऑर्डर है वाइंडिंग अप के उनको इस तरह से ऑपरेट किया जाना चाहिए जिससे कि क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ कंपनी के फेवर में ये डिसीजन जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि उनके इंटरेस्ट को देखते हुए इस पर्टिकुलर वाइंडिंग अप के ऑर्डर को ऑपरेट किया जाना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स वेयर द कंपनी इज सॉल्वेंट। यानी कि अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो उस समय क्रेडिटर्स पर वाइंडिंग अप का क्या इफेक्ट रहेगा, तो वो इफेक्ट हम स्टडी कर लेते हैं। कंपनी इज सॉल्वेंट,
और उसको वाउंड अप कर दिया जाता है। सॉल्वेंट का मतलब वो अपने डेट को पे करने में कैपेबल है, इसीलिए हम सॉल्वेंट कंपनी का नाम ले रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है और उसको वाइंड अप कर दिया जाता है तो उस केस में जितने भी डेट्स हैं, ऑल डेट्स पेबल ऑन अ कंटिजेंसी एंड ऑल क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी शैल बी एडमिसिबल टू प्रूफ अगेंस्ट द कंपनी। यानी कि जो कंपनी के अगेंस्ट में जितने भी कंटिजेंसी या फिर जितने भी क्लेम्स हैं वो एडमिसिबल होंगे, उनको एडमिट कर लिया जाएगा, उनको एक्सेप्ट करा जाएगा और उसके रिगार्डिंग एक एस्टिमेट फॉलो किया जाएगा कि इन पर्टिकुलर डेट्स और क्लेम्स की वैल्यू क्या है, जिससे कि उसके अकॉर्डिंग कंपनी के क्रेडिटर्स को उनकी अमाउंट प्रॉपर वे में रिटर्न की जा सके। तो उनकी वैल्यू को भी प्रॉपरली कैलकुलेट किया जाता है, उसकी वैल्यू को प्रॉपरली जज किया जाता है, ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स वेयर द कंपनी इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंपनी अपने डेट्स को पे करने में कैपेबल नहीं है, तो ऐसी कंपनी को हम इंसॉल्वेंट कंपनी का नाम देते हैं। तो इसमें वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो सॉल्वेंट कंपनी के केस में अप्लाई होते हैं। इसमें भी जितने भी क्लेम्स हैं, जितने भी कंटिजेंसी डेट्स हैं, उन सारे डेट्स को एडमिट कर लिया जाता है जो कंपनी के अगेंस्ट में प्रूफ हो जाते हैं, और फिर उनकी वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है कि कितनी वैल्यू है इनकी जो इन क्रेडिटर्स को इनके अमाउंट के फॉर्म में पे की जानी चाहिए। तो सेम रूल अप्लाई होते हैं यहां पर भी, जो रूल सॉल्वेंट कंपनी के केस में ऊपर मैंने डिस्कस किए थे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज कभी कभी क्या होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो फ्लोटिंग चार्ज ये कब क्रिएट किया गया है, इट इज क्रिएटेड विद इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। यानी कि इसकी वाइंडिंग अप से ठीक 12 महीने पहले तक अगर कंपनी की असेट पर कोई भी चार्ज क्रिएट किया गया है तो वो चार्ज कैसा होगा, इनवैलिड होगा, वो चार्ज मान्य नहीं होगा। फिर से बता देता हूँ मैं इस पॉइंट को कि कभी कभी क्या होता है कंपनी की असेट्स पर फ्लोटिंग चार्ज को क्रिएट किया जाता है, और ये फ्लोटिंग चार्ज है वो कंपनी के वाइंडिंग अप के कमेंसमेंट से ठीक 12 महीने पहले अप्लाई किया जाता है। तो इस टाइप का फ्लोटिंग चार्ज मान्य नहीं होगा, ये इनवैलिड होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट एज टू वाइंडिंग अप ऑन डॉक्यूमेंट। यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी सच एज इनवॉइसेस, ऑर्डर्स फॉर गुड्स और बिजनेस लेटर शैल कंटेन अ स्टेटमेंट दैट द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप। यानी कि जब वाइंड अप की प्रोसेस चल रही होती है और जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स फॉलो किए जाते हैं, चाहे वो इनवॉइसेस हैं, चाहे गुड्स के ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या बिजनेस लेटर्स है, उनमें एक स्टेटमेंट को फॉलो किया जाता है और वो स्टेटमेंट होता है कि कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, और इसको फॉलो करना दैट इज टू मच कंपल्सरी, 100% कंपल्सन इज देयर ऑन द कंपनी टू राइट दैट स्टेटमेंट दैट द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, ठीक। एंड द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ETC। यानी कि जब कंपनी के वाइंड अप की प्रोसेस चल रही होती है उस समय अगर कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाना है या शेयर्स को ट्रांसफर किया जाना है या फिर कंपनी के किसी भी मेंबर के स्टेटस में कोई भी ऑल्टरेशन किया जाना है, तो ये सारे के सारे वॉइड होंगे अगर ऐसा किया जाता है, तो जब तक कि ट्रिब्यूनल ऐसा कोई भी ऑर्डर ना दे दे, केवल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ही ये मान्य होंगे। और अगर बिना ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को फोकस किया जाता है तो ये सब इनवैलिड होंगे, ये सब वॉइड होंगे, कोई मान्यता नहीं होगी इनकी, ना रद्द कर दिए जाएंगे ये, ठीक है। एंड द लास्ट कॉन्सिक्वेंस इज इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स बाय क्रेडिटर एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि एक बार जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिल जाता है ट्रिब्यूनल की तरफ से तो जो कंपनी के क्रेडिटर हैं या जो कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं वो कंपनी की बुक्स और उनके पेपर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो केवल ऐसा कब कर सकते हैं, एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। जैसे रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही वो केवल और केवल कंपनी की बुक्स और पेपर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप
ऑर्डर। थैंक यू।